सार संग्रह भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहां अवस्थित है? हम्पी। प्रश्न दो, पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण हैं हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर। प्रश्न तीन, पुरापाषाण कालीन अवशेष मिलते हैं सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी। प्रश्न चार, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है माइक्रोलिथ। प्रश्न पांच, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ एवं राजस्थान में बागोर, जहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, किस काल के प्रतिनिधि स्थल हैं? मध्य पाषाण काल के। प्रश्न छह, किस नव पाषाण कालीन स्थल से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। प्रश्न सात, किस नव पाषाण कालीन स्थल से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईस्वी पूर्व मिले हैं? इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा। प्रश्न आठ, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ हैं, जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। प्रश्न नौ, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। प्रश्न दस, वो प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। प्रश्न 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। प्रश्न 12, 28 दिसंबर 1885 को हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सम्मेलन में किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया? दादा भाई नौरोजी। 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 14, किसने कांग्रेस के बारे में टिप्पणी की थी कि कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक वर्ग की टिप्पणी करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? लॉर्ड डफरिन। 15, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज था जॉर्ज यूल, 1888 में इलाहाबाद सम्मेलन में। 16, 1889 के बंबई कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का कौन सा सदस्य उपस्थित था? चार्ल्स ब्रेडला। 17, कांग्रेस के अतिवादी तथा उग्रवादी कहे जाने वाले नेता थे बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, लाला लाजपत राय पंजाब, अरविंद घोष एवं विपिन चंद पाल बंगाल। 18, लोकमान्य तिलक ने मराठा एवं केसरी, विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन किया। वहीं लाला लाजपत राय द्वारा निकाला गया अखबार था पंजाबी। 19, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही इन उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, ये कथन है अरविंद घोष का। 20, दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एवं एम हर्स्ट की हत्या दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने कब कर दी थी? 22 जून 1897 को। भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान। प्रश्न 21, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? 91वां। प्रश्न 22, घरेलू हिंसा के मामले में किस अधिनियम के अंतर्गत कोई महिला किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल कर सकती है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया वर्जित है? अनुच्छेद 124 कोष्ठक में 4। प्रश्न 24, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। 25, वित्तीय आपात की घोषणा कितनी अवधि की समाप्ति के बाद प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पूर्व संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता? 2 मास। 26, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत में कितने राज्यों का गठन किया गया था? 16। 27, किस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं?
अनुच्छेद 75 कोष्ठक में 3। 28 लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक जो अनुच्छेद 110 में प्रगणित विषयों से संबंधित हों, राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोके रख सकती है? 14 दिन। 29 अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। 30 भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत एवं विश्व का भूगोल। 31 जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित प्रमुख दर्रे हैं कराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल। 32 हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रे हैं शिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा। 33 उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे हैं लिपुलेख, माणा, नीति। 34 सिक्किम में स्थित प्रमुख दर्रे हैं नाथुला, जलेप्पा। पृष्ठ 111। 35 बोमडिला, यांगयाप एवं दीफू दर्रे किस भारतीय राज्य में अवस्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में। 36 तुजू दर्रा कहां अवस्थित है? मणिपुर में। 37 किस राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु। 38 शिवाराय पहाड़ियां अवस्थित हैं तमिलनाडु के सालेम जिले में। 39 किस जल डमरू मध्य में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम एवं फ्रांस को जोड़ती है? डोबर जल डमरू मध्य। 40 अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। पर्यावरण एवं जैव विविधता। 41 ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। 42 पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। 43 अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वो है क्षोभ मंडल। 44 समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। 45 पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 15 से 30 किलोमीटर। 46 विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। 47 कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति प्रायः पाई जाती है कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। 48 रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आयन मंडल। 49 किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को कहा जाता है जैव विविधता। 50 किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? आनुवांशिक विविधता। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। 51 विली विली है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 52 संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान के क्षेत्र में ध्रुवीय ठंडी वायु राशियों और मैक्सिको की खाड़ी की गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय वायु राशियों के मिलने से उत्पन्न चक्रवात कहलाते हैं टॉर्नेडो। 53 कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? फुजिट स्केल। प्रश्न 54 अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण एवं पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। 55 मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वो है अक्षांश। 56 अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए 90 के दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध है? एलनीनो और दक्षिण दोलन। 57 किस धारा का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागरीय जल के तापमान वृद्धि से है? एलनीनो। 58 किस धारा का संबंध पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊष्मन से है? ला नीना। 59 बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों जैसे पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को कहते हैं हंकी स्टोशम।
1960 भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारतीय अर्थव्यवस्था 1961 राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी के रूप में 1988 में स्थापित हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1962 रेपो दर से तात्पर्य है ऐसी दर जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। 1963 किसी देश के गिनी गुणांक के एक के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। 1964 भारत सरकार का एक प्रमुख उपक्रमण MCA 21 किस क्षेत्र से संबंधित है, ई प्रशासन। 1965 भारत का एकमात्र स्टील प्लांट जो समुद्र के किनारे स्थित है, वाइजैग स्टील प्लांट विशाखापट्टनम। 1966 तारापुर समिति किससे संबंधित थी, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता। 1967 सहभागिता नोट पार्टिसिपेटरी नोट संबंधित हैं, विदेशी संस्थापक निवेशक। 1968 आयात एवं निर्यात पर लगने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर। 1969 हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP। 1970 किस समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की, आबिद हुसैन समिति। पृष्ठ 112 सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। 1971 मानव तंत्र में पाचक एंजाइम है ट्रिप्सिन टॉयलिन एवं पेप्सिन। 1972 मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित यानी फर्टिलाइज करता है, डिंबवाहिनी नली फेलोपियन ट्यूब। 1973 मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, परावटु हार्मोन पैराथायरॉयड। 1974 मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न रहता है, वृहदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन। 1975 जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें रजत AG नहीं पाया जाता के अन्य नाम है निकल सिल्वर न्यू सिल्वर अल्पक्का पैकटॉग। 1976 जिंक ऑक्साइड ZnO को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यशद पुष्प फिलोसोफर्स वूल। 1977 एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। 1978 किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहां होता है, ध्रुवों पर। 1979 प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। 1980 ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होते हैं AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। कृषि 1981 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार, पूर्व नाम राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय RAU, स्थापना वर्ष 1970 कब अस्तित्व में आया, 7 अक्टूबर 2016 में। 1982 एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग किन फसलों में नहीं किया जाता, दलहनी फसलों चना मटर मसूर अरहर मूंग उर्द आदि। 1983 एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग किन फसलों में कर सकते हैं, सभी अनाज गेहूं धान ज्वार बाजरा आदि, सब्जी गन्ना बागवानी फूल आदि फसलों में। 1984 एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक के कृषित फसलों में प्रयोग से क्या क्या लाभ मिलते हैं, फसलों के उत्पादन में 10-20% वृद्धि एवं 20-30 किलोग्राम नत्रजन N की बचत। 1985 जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, जैव उर्वरक एक जीवित सूक्ष्म जीवाणुओं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मिश्रण जो मिट्टी में वायुमंडलीय पोषक तत्वों का स्थिरीकरण में एवं पादप पोषक तत्वों को विलेय बनाकर पौधों को उपलब्ध करते हैं। 1986 अजोला फर्न क्या है, अजोला फर्न पानी में रहने वाला फर्न, इसकी पंखुड़ियों में सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं जो जीवाणु वायुमंडलीय नत्रजन का यौगिकीकरण व स्थिरीकरण करते हैं। 1987 अजोला जैव उर्वरक का प्रयोग किस फसल में किया जाता है, धान फसल में। 1988 नील हरित शैवाल BGA जैव उर्वरक का प्रयोग किस फसल में किया जाता है, धान की फसल में। 1989 एजोस्पाइरिलम जैव उर्वरक क्या है, वायुमंडलीय व वातावरणीय नत्रजन का स्थिरीकरण कर पौधों को नत्रजन उपलब्ध करना, साथ ही हॉर्मोन्स एवं विटामिन भी पौधों को प्रदान करना। 1990 एजोस्पाइरिलम
जैव उर्वरक का प्रयोग किन फसलों में किया जाता है? सब्जी, अनाज व अन्न, गन्ना, बागवानी, फूल आदि की फसलों में। संप्रेषण व संचार। 91. एक उत्तम संप्रेषक अपने प्रस्तुतीकरण की शुरुआत करता है सुगम पूर्वाभ्यास द्वारा। 92. प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? प्रत्याशित उत्तेजना का। 93. कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्था में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्रायः इस प्रसंग में काम में लाई जाती है? क्षैतिज संप्रेषण। 94. ऐसा संचार जो संस्थागत होता है तथा जिसके अंतर्गत निर्देश देना, योजना बनाना तथा प्रेरित करना जैसे प्रबंधकीय कार्य आते हैं, कहलाता है आंतरिक संचार। 95. ऐसा संचार जिसके अंतर्गत किसी एक संस्था का दूसरी संस्था, सरकार के विभिन्न विभागों, उपभोक्ताओं, आम नागरिकों आदि के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, कहलाता है बाह्य संचार। 96. संचार प्रक्रिया में वो व्यक्ति जिसको ध्यान में रखकर संचारक अपने संदेश का निर्माण, उचित माध्यम का चुनाव और संप्रेषण करता है, कहलाता है प्रापक, रिसीवर। 97. संचार का वो साधन जो बहुत सारे अदाताओं को एक स्रोत से एक साथ प्रसारित करता है, कहलाता है जन संचार। 98. शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, यहां कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी वास्तव में हैं डिकोडर्स। 99. संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? लैन। 100. किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? एजुटेनमेंट। शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। 101. सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कोहलर। 102. कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा। 103. विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। 104. क्रोध एवं भय प्रकार है संवेग का। 105. यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। 106. यदि 8 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125। पृष्ठ 113। 107. संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत। 108. किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है कुंठा। 109. टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है सामान्य बुद्धि। 110. सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलव ने प्रयोग किया कुत्ते पर। खेलकूद। 111. अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में सर्वप्रथम स्वर्ण जीतने वाली प्रथम महिला आशा अग्रवाल 1985। 112. अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले एथलीट महिला एवं पुरुष गुरुवचन सिंह रंधावा 1961 पुरुष श्रेणी, स्टीफी डिसूजा 1963 महिला श्रेणी। 113. पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट मिल्खा सिंह 1959। 114. ट्रफलगर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ट्रफलगर ट्रॉफी राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाले देश को दी जाती है। 115. द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन है? ओएम नाम्बियार 1985। 116. वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट एवं हॉकी दोनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? एमजे गोपालन। 117. वो कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसने 3 खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की? शिरीन खुशरू कियाश, हॉकी, क्रिकेट एवं बास्केटबॉल। 118. भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर होने का श्रेय किसे प्राप्त है? मैनुअल आरोन 1961। 119. भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? डूरंड कप, प्रथम आयोजन 1888 शिमला। 120. भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना हुई 1937 में शिमला में।